बॉलीवुड में कुछ अभिनेता ऐसे हैं जो अपनी बात कहने से कभी झिझकते नहीं हैं। इनमें एक नाम अभय देओल का भी है। फिर चाहे बात हो फेयरनेस क्रीम के बॉयकॉट की या अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर बॉलीवुड सितारों के ट्वीट पर सवाल उठाने की, और अब जब सुशांत की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड नेपोटिज्म के सवालों से घिरा हुआ है, तो अभय देओल ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अभय ने फिल्म अवार्ड शोज पर उंगली उठाते हुए कहा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में मुझे और फरहान को सपोर्टिंग एक्टर शो कर दिया गया। अवार्ड शोज में ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये एक लड़का और लड़की की प्रेम कहानी थी जिसमें उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। फरहान को इसमें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैंने अवार्ड शोज का बायकॉट कर दिया। उन्होंने तो फिल्मी अवार्ड्स को निशाना बनाते हुए फैमिली अवार्ड तक कह डाला। अभय देओल खुद एक फिल्मी खानदान से आते हैं और अपनी एक्टिंग के दम पर वह काफ़ी नाम भी कमा चुके हैं, लेकिन इस सब के बाद भी अगर वह यह सब कह रहे हैं तो बाहर से आकर बॉलीवुड में करियर बनाने वाले लोगों के लिए यह सफ़र कितना मुश्किल होता होगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी खबरें और भी आएंगी, तब तक घर पर रहें और अपना ध्यान रखें।